नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो याद रखिए, हम लोग अभी तक 19 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 19वां चैप्टर था आपका राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य। ये सभी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में था। इसमें बात करने वाले हम लोग जनजाति परिदृश्य के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में काफ़ी जनजाति पाई जाती है, सबसे ज़्यादा। इसलिए ये टॉपिक मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। अनुसूचित जाति संविधान के अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती हैं। क्या वो समझना है आपको? संविधान के अनुच्छेद 341 में 341 में सूचीबद्ध जातियां आपकी अनुसूचियां अनुसूचित जातियां कहलाती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की कुल संख्या है 1,13,42,320। फिर से सुन लीजिए, 1,13,42,320, जो राज्य की जनसंख्या का 15.6% है। जो कुल राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 15.6%। चमार चमार जाति राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। चमार जाति राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। अन्य जातियों में आपकी खटीक राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति है। भंगी, बलाई, बेड़िया, लखारा, बसोड़ प्रमुख हैं। ठीक है, बेड़िया नामक अनुसूचित जाति सागर जिले में निवास करती है। बेड़िया नामक जो अनुसूचित जाति है, ये आपकी सागर में निवास करती है, जो वैश्यावृत्ति से वंशानुगत रूप से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस प्रथा से मुक्ति हेतु किससे वैश्यावृत्ति से मुक्ति हेतु जवाली योजना चलाई। पूछ लेता है जवाली योजना किससे संबंधित है, तो याद रखना बेड़िया जनजाति में जो वेश्यावृत्ति थी उसे मुक्ति करने के लिए, हटाने के लिए। बसोड़ अनुसूचित जाति बालाघाट में निवास करती है, जो कि बांस शिल्प में पारंपरिक थे। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आपकी इंदौर में पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आपकी इंदौर जिले में पाई जाती है। न्यूनतम अनुसूचित जाति आपकी झाबुआ जिले में पाई जाती है। सब जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? इंदौर में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या जनजाति अनुसूचित जाति संख्या कहाँ पाई जाती है? झाबुआ में। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति उज्जैन में 26.4%, न्यूनतम झाबुआ में 1.7%। तो याद रखना जनसंख्या के मामले में इंदौर पहले नंबर पे और सबसे लास्ट में है झाबुआ, और प्रतिशत के मामले में उज्जैन पहले नंबर पर, झाबुआ सबसे नीचे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात 920 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं हैं। ठीक है, 2001 में ये 905 था। साक्षरता दर की बात करें तो 58.6% है। एससी में अनुसूचित जाति में साक्षरता दर क्या है? 58.6%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका बालाघाट है। मध्य प्रदेश की दहिया जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 21.1% है। कितना? टोटल एमपी की जनसंख्या में 21.1% हिस्सा है इसका, जबकि संख्या इसकी है 1,53,16,784, जो भारत में सर्वाधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या आबादी में भीलों की जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक है और गोंडों की आबादी दूसरे नंबर पर है। तो याद रखना राज्य में कुल जनजाति आबादी में
भीलों की जनसंख्या सबसे अधिक है प्रतिशत में, और गोंडों की आबादी दूसरे नंबर पर है। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है 975, कितना है 975, 1000 पुरुषों पर 975 महिलाएं हैं। अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात राज्य वाला जिला है आपका बालाघाट, यहाँ 1050 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर 1050 महिलाएं हैं। ठीक है, राज्य के 52 जिलों में जनजातियों का निवास है, यद्यपि उनकी संख्या में अंतर है, क्योंकि अब 52 जिले हो गए आपके। ठीक है, याद रखिए। जनजातियों का 2 पेटियों में झाबुआ से सतपुड़ा पर्वत तक और मैकाल पर्वत से बघेलखंड तक भारी साकेंद्रण है। धार, झाबुआ, मंडला, खरगोन में 50% से अधिक आबादी जनजातियों की है। कहाँ कहाँ? धार, झाबुआ, मंडला, खरगोन में 50% से अधिक आबादी यहाँ की जनजातियों की है। धार में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, जनसंख्या है इसकी। धार में सर्वाधिक जनसंख्या में आपकी जनजाति संख्या है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो भिंड में 6131। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपकी अलीराजपुर में 89% है, और सबसे कम है भिंड में। तो याद रखना, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा धार में है, और प्रतिशत में अलीराजपुर में, और जनसंख्या और प्रतिशत में सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है भिंड में। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की तीन बड़ी जनजातियाँ भील, गौंड, कोल हैं। विशेष पिछड़ी घोषित जनजातियों की बात करें तो केंद्र सरकार ने राज्य की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। कौन कौन सी है? बेगा, सहरिया, भारिया। ठीक है, 16 जून 2013 को इन तीनों जातियों के समग्र विकास के लिए राज्य स्तरीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला हलवा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला हलवा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। जबलपुर माड़िया का तथा विंध्य प्रदेश खैरवा जनजाति का निवास स्थान है। मध्य प्रदेश में 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। तो याद रखना, आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना आपकी 1964 में हुई, जिसका नाम बदलकर 1965 में आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया था। जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान आपका भोपाल में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में है। मध्य प्रदेश का नहीं, देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में। मध्य प्रदेश के अमरकंठक में केंद्र द्वारा आदिवासी पर शोध हेतु इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया। तो पूछ लेगा, इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो याद रखना, अमरकंटक में। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ है? झाबुआ में। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड लाइट परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। कथा सरित सागर में गुंदप्पा ने भील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अतक, ओदक, गोट कुल भील जनजाति में सर्वाधिक संगठन के 4 प्रमुख रूप हैं। भील जनजाति में घूमर और गोरी लोग नित्य विचलित हैं। बेगा मूलतः दक्षिण भारत भारतीय जनजाति है। बेगा जो जनजाति है, ये मूलतः दक्षिण भारत में पाई जाती है। मंडला जिले में विशेषकर बेगाचक नामक स्थान पर बेगाओं की संख्या सर्वाधिक है। बेगा जनजाति में गौमांस खाना वर्जित है। ठीक है, बेगा जनजाति में पंचायत व्यवस्था होती है, जिसमें 5 प्रकार के पंच होते हैं, मुकदम, दीवान, समरथ, कोटवार, दवार। मुकदम गांव का मुखिया होता है। सहकारी सहरिया जनजाति का सर्वाधिक घनत्व आपका ग्वालियर संभाग में। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत की गई थी। निगम द्वारा आर्थिक एवं रोजगार योजना का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 1995 से प्रारंभ किया गया।
फारदियन जनजाति के साथ गिने जाने वाले बहेलियों का भी एक उपग्रह उपवर्ग है जो कारगर कहलाता है। यह केवल काले रंग के पक्षियों का ही शिकार करते हैं। कोरवा जनजाति की पंचायत को म्यारी कहते हैं। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? म्यारी। ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा में विश्व के पहले भीली समुदाय रेडियो केंद्र आरंभ होने के बाद गौड़ बेगा सहरिया कोर को भारिया बहुल क्षेत्रों में अन्य 9 समुदाय जनजातीय रेडियो केंद्र शीघ्र ही आरंभ होने वाले हैं। छिंदवाड़ा जिले की मवासी जनजाति की बोली का शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वर्ष 2000 से किया जा रहा है। ठीक। जनजातियों का भौगोलिक वितरण बात करते हैं। जनजातियों का भौगोलिक वितरण तो मध्य आदिवासी क्षेत्र, इस भाग में आपका होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर, जबलपुर, हरदा, रायसेन आदि जिले सम्मिलित हैं। यहाँ पर गौड़ कोरकू जनजाति निवास करती है। फिर आपका पूर्वी आदिवासी क्षेत्र, इसके अंतर्गत आपका सीधी, सतना, शहडोल, रीवा जिले हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति आपकी कोल है। कौन सी है? कोल है। इसके अतिरिक्त गौड़ जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है। फिर पश्चिमी आदिवासी क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपका धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम आदि जिले सम्मिलित हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से भील जनजाति पाई जाती है। साथ ही इसकी उप जनजातियाँ हैं भिलाला, बरेला, पटलिया भी निवास करती हैं। फिर आपकी दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र, इस भाग के अंतर्गत आपका बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाली मुख्य जनजाति आपकी बेगाचक के बेगा, डिंडोरी, साथ ही भरिया, पातालकोट, छिंदवाड़ा, गोंड, मड़िया, हलवा आदि हैं। फिर है उत्तर उत्तरी, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी, इस भाग में आपका ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह जिले शामिल हैं, जहाँ पर सहरिया और सौर जनजाति निवास करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनजातियों का विवरण। ठीक है, एक एक करके जनजातियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गौड़ के बारे में। कौन सी? गौड़ जनजाति। इसका मूल द्रविड़ियन है। गौड़ों की उत्पत्ति तेलुगु के कोंड शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पर्वत, अर्थात यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है। इस इनमें अनेक प्रकार के विवाह होते हैं, दूध लौटाना, पठोनी, चढ़ विवाह, लम सेना विवाह। तो याद रखिए, पूछ लेता है कि गौड़ जनजाति में कौन कौन से विवाह होते हैं, दूध लौटाना, पठोनी, चढ़ विवाह, लम सेना। ठीक है। गौड़ जनजाति में वर द्वारा वधु मूल नहीं चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है, इसे सेवा विवाह कहा जाता है। वह व्यक्ति लामनाई कहलाता है। इसके 7 प्रमुख त्यौहार हैं। गौंड जनजाति के 7 प्रमुख त्यौहार हैं, बीदरी, बकपंथी, हरडीली, नवाखानी, जवारा, मड़ई और छेरता। इसका पेज इसका प्रमुख भोजन है। पेज इसका प्रमुख भोजन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का में विवाह का प्रचलन है जिसे दूध लुटावा विवाह कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति व्यवसाय के आधार पर कई उपजातियों में विभाजित है, जैसे लोहे का काम करने वाली, अगरिया, मंदिरों में पूजा पाठ करने वाली, प्रधान, और पंडिताई या तांत्रिक क्रिया करने वाली, ओझा कहे जाते हैं। गौड़ गोत्र समाज है तथा परिवार पितृसत्तात्मक है। ठीक है। गौंडों के घर में अतिथियों के लिए बंगला होता है। गौंड स्त्रियां गुदना प्रिय हैं। मुड़ियाओं के समान गौंडों में भी घोटुल प्रथा पाई जाती है।
गौंडों में दो प्रमुख वर्गों में विभक्त है, राजगौंड और धुरगौंड। मड़ई गौंड और उसकी उपजातियों का एक सांस्कृतिक मेला है मड़ई। गौंडों के प्रमुख देवताओं की बात करें तो प्रमुख देवताओं में इसके में शामिल हैं आपके हिंदू देवताओं के साथ ठाकुर देव, माता बाई, दूला देव, बाधेश्वर, सूरज देव, खैर माता, ग्राम देवी, इनके प्रमुख देवता हैं। प्रमुख नेत्रों की बात करें तो कर्मा सैला, भड़ोनी, सुगा दीवानी, विरहा सजनी, कहरवा, इनके प्रमुख त्यौहार हैं। फिर बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। इसका मूल है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार माना जाता है। भील जनजाति का संकेंद्रण प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि धार, झाबुआ, पश्चिमी निवाड़ में है। भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना हुआ है। यह भी माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील या बील से बना है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भीलों के मकान को कू कहते हैं या मुख्यतः झाबुआ में निवास करते हैं भील। भील जहाँ रहते हैं उस जगह को फाल्या कहते हैं। इसकी उपजातियों की बात करें भील की, बरेला, भिलाला, पटलिया, रथियास, बेगास, इसकी प्रमुख उपजातियाँ हैं। भीलों के पारंपरिक पर्व हैं गोल गदेड़ू, भगोरिया, चलावाड़ी, जात्रा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पिथौरा भीलों का प्रसिद्ध चित्र है और श्री पेमा फाल्या उसके श्रेष्ठ कलाकार हैं। 1987 में शिखर सम्मान मिला था इन्हें। ठीक है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित भगोरिया हाट 7 दिवसीय पर्व है भीलों का प्रसिद्ध पेड़ पर्व है जो होली के अवसर पर आयोजित होता है। भील जनजाति में विवाह की परंपरा में अपहरण विहार अर्थात कन्या का हरण करके विवाह करना बहुत प्रचलित है। गोल गदेड़ो मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। भील संसार की सबसे अधिक रंग प्रिय जनजाति है। भील स्त्रियां विश्व की सबसे अधिक गहना प्रिय जनजातियाँ हैं। प्रिय स्त्रियाँ होती हैं इसकी। ठीक है, गहना पहनती हैं। भील स्वभाव से तुनक मिजाज होते हैं, यहाँ तक कि जरा सी बात पर तीर चलाकर हत्या करने में भी नहीं चूकते हैं भील। ठीक है, तो भीलों से आपको बच के रहना है। भील प्रयाग ताड़ी पीना, मक्का खाना पसंद करते हैं। भील जनजाति का प्रमुख खाद्य पदार्थ रावड़ी है। भगोरिया भीलों का प्राकृतिक प्रिय नृत्य है। फिर आपकी आती है बेगा। कौन सी है? बेगा जनजाति। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बेगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजाति है। यह गौंडों की उपजाति है। उपजातियां हैं इसकी भरोतिया, नरोतिया, रेमना, कठमैना। इस जनजाति पर लिखी गई पुस्तक है बेगा। इसके रचयिता है बेरियर एल्विन। याद रखिए, कई बार पूछ लेता है इस बुक को। सबसे पहले तो पूछेगा आपसे, अगर पूछ सकता है, बेगा पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? बेगा। इसके रचयिता कौन है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता है बेरियर एल्विन। इसमें बासी भोजन की परंपरा है। इनमें बेगा जनजाति में बासी भोजन की परंपरा है। बेगा जनजाति में समय के अनुसार 3 भोजन होते हैं, सुबह का बासी, दोपहर में पेच और रात्रि में बिहारी प्रचलित है। इनके प्रमुख नृत्य हैं कर्मा सैला, परधोनी, फाग। साज इनका प्रिय व्यक्ष है, जिसमें इनके देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। ठाकुर देव गांव की भूमि के देवता हैं। बेगा बेवार या पुंडो कृषि झूम कृषि करते हैं, जबकि बारी नामक खेती पद्धति गौंड जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। बेगा जनजाति संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजातियों में से शामिल है। ठीक है, बेगा सुअर पूजक हैं। 12 वर्ष में एक बार बेगाजन सुअर वजी समारोह का आयोजन करते हैं। फिर आपकी सहरिया। कौन सी जनजाति? सहरिया।
इनकी बसावट को सहराना कहा जाता है, जिसका मुखिया होता है पटेल। इस जनजाति का मूल निवास है आपका साहेबाद जंगल, कोटा, राजस्थान। सहरिया अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलाने में गौरवान्वित अनुभव करते हैं। सहरिया मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना में पाए जाते हैं। सहरिया जड़ी बूटियों की पहचान में सिद्ध हस्त होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। फिर है आपकी भारिया, क्या है भारिया जनजाति, भारिया या द्रविड़ियन या कोलिरियन समूह की जनजाति है। पातालकोट, छिंदवाड़ा के भारिया आदिम मानव जैसा जीवन जी रहे हैं अभी भी। भारिया जिस स्थान पर रहते हैं उसे डाना डाना कहते हैं। भारिया में चूड़ी प्रथा प्रचलित है। इसका मुख्य भोजन पेज है, महुआ और आम के बीजों का रोटी वर्षा ऋतु में खाते हैं लोग। इनकी बोली है भरनोटी। राजा कर्णदेव को भारिया अपना पूर्वज मानते हैं। इसमें चार प्रकार के विवाह होते हैं, मंगनी, लम्बसेना, राजीबाजी और विधवा विवाह, ठीक है। भरम सेतम, कर्मा सेल, शैला इसके प्रमुख नेत हैं भरिया जाति के। इनके प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, दूला देव, बरुआ और नामदेव, ठीक है, नागदेव। ढैया खेती करने वाले भरिया अब स्थायी कृषि करने लगे हैं। सन 1981 में जनगणना में पातालकोट के भारियाओं को जंगलिया के भी जंगली नाम से संबोधित किया गया था। भारिया शब्द वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं है। भारियाओं की बातचीत परंपरा अत्यधिक समृद्ध है। गीत, कथा, गाथा, पहेलियाँ आदि इनके पास भंडार हैं इनके, ठीक है। आगे बात करते हैं कोल, कौन सी जनजाति, कोल जनजाति। कोल जनजाति, कोल कोलेरियन परिवार समूह की एक प्रमुख जनजाति है। कोल जनजाति का मूल निवास स्थान आपका रीवा के वर्दी राजा क्षेत्र के कोराली को माना जाता है। कोल गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं, इसे टोला कहते हैं। यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनके दो मुख्य उपवर्ग हैं, कौन से, रोहिया और रोतेला। इनका दहका नृत्य अत्यंत प्रसिद्ध है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। कोल कभी शासक भी रहे हैं। कोल राज्य कभी चोल, पांडव तथा केरल राज्य की तरह था। फिर आपका कोरकू, कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति एक आदम जनजाति है जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में निवास करती है। अधिकांश कोरकू होशंगाबाद, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी निवाड़, बैतूल, छिंदवाड़ा में बसे हैं। इनमें कई विवाह प्रचलित हैं, जैसे लम्बझना या लम्बसेना विवाह, चिथौड़ा, राजीबाजी, विधवा विवाह, हट विवाह आदि। इनकी चार उप जातियाँ भी हैं, पटरिया, रोमा, दुलारया और बोवई। खम्म स्वांग इसका प्रसिद्ध नृत्य प्रधान नाटक है। जिनके पास जमीन जायदाद है वे राज कोरकू कहलाते हैं। कोरकू समुदाय गोत्र चिन्ह से बना है। समगोत्री विवाह वर्जित है। मृतकों को दफनाग्नि की प्रथा है। मृतकों की स्मृति में लकड़ी का मृतक स्तंभ मंडा लगाते हैं ये लोग। कोरकुओं में मृत संस्कार में सिडोली प्रथा का विचलन है। पड़ियार और भूमिका कोरकुओं के अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं। गोंडों की एक शाखा अगरिया है। जनजाति का प्रमुख व्यवसाय लोहे को गलाकर औजार बनाना है, इस कारण यह अगरिया कहलाते हैं। ये उदड़ दाल को शुभ संकेत के रूप में उपयोग में लाते हैं। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। अगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। इनका प्रिय भोजन सुअर का मांस है अगरिया का।
फिर आपकी पारधी, इनकी 8 उपशाखाएं हैं। यह बहेलियाँ श्रेणी की जनजाति है जो बंदरों का शिकार कर उनका मांस खाती हैं। इस जनजाति का मुख्य निवास भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में है। ठीक है, फिर आपकी पनिका जनजाति। पनिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ के विंध्य प्रदेश की जनजाति है। यह मध्य प्रदेश की सीधी और शहडोल में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग कबीरपंथी हैं, कबीर रहा भी कहलाते हैं लोग। कबीर रहा मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। सूर्य, इंद्र, हनुमान, दूल्हा देव, बूढ़ी माता, मरी माता, हुल्डी बाई आदि की पूजा करते हैं। पनिका मुख्यतः बुनकर जनजाति है जो पारंपरिक रूप से वस्त्रों का निर्माण करती है। फिर आपकी खैरवार जनजाति। खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण खैरवार कहलाने लगी है। इस जनजाति का विवरण उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल में मिलता है। खैरवार मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है। पन्ना छतरपुर में खैरवार खैरवा जनजाति को कोंदार के नाम से जाना जाता है। फिर आपका बंजारा। बंजारा जनजाति कबीलाई पद्धति का प्रभाव आज भी है इस पर। बंजारा का मूल प्रादुर्भाव राजस्थान से है। इसके इनका निवास स्थान निवाड़ क्षेत्र में है। बंजारा लोग गांव की बसावट को टांडा कहा जाता है। टांडे का प्रधान अथवा सरदार नायक कहलाता है। बंजारा जनजाति में पटेल सरपंच का पद भी नायक संभालता है। ठीक है, कबीले का एक मुखिया होता है जिसे नायक कहा जाता है। बंजारा स्त्रियां संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। प्रिय जनजातियां, पहले यह जनजाति वालद लाद कर लाती थी, अर्थात बैलों पर लाद कर जीवन उपयोगी सामग्री विक्रय करती थी। अब इनका प्रमुख व्यवसाय पशु चारण हो गया है। यह जनजाति सिख धर्म से प्रभावित है। बंजारा विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक हैं। तलवार एवं डंडा बेली बंजारा जनजाति के प्रमुख नेत्र भी है। फिर है आपकी धानुक। कौन सी जनजाति? धानुक। धानुक जनजाति के लोग मुख्यतः भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, सतना में निवास करते हैं। धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धनुष से हुई, जिसका अर्थ होता है धनुष रखने वाला। इनमें विवाह सामान्यतः बाल्यावस्था में हो जाता है। ठीक है, सौर, यह प्रदेश के सागर और दमोह जिले में निवास करती है। सौर लोगों में भवानी की पूजा की जाती है, जिसका एक नाम दूल्हा देव भी है। फिर है बिंजवार। बिंजवार मध्य प्रदेश का एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बिंजवार जनजाति मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला में निवास करती है। ये मूलतः द्रविड़ियन परिवार के हैं। इनका उद्गम विंध्याचल पर्वत माना जाता है। पंचायत का मुखिया पटेल अथवा गोटिया कहलाता है। ठीक, तो ये थी आपकी प्रमुख जनजाति। अब हम लोग एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों और उनका निवास स्थान। ये आपकी जनजातियाँ हो गई, ये उनकी उपजातियाँ हो गई और ये निवास स्थान उनके यहाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोंड। इनकी उपजातियाँ हैं प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, सोलहास। इनके निवास स्थान है प्रदेश के सभी जिलों में, मुख्यतः विंध्य और सतपुड़ा अंचल में, भील, बरेला, भिलाला, पटलिया। इनका निवास स्थान है धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बेगा। उपजनजातियाँ इसकी बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, रेमेना, कठमेना, मंडला, बालाघाट, शहडोल इनके प्रमुख निवास स्थान है। कोरकू, पोथरिया, रूमा, दोलारिया, बोबई या बोड़ई, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिदवाड़ा, देवास इनके निवास स्थान। भारिया, भूमिया, भुईहार, पंडो, छिदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना में पाई जाती है। कोल, रोहिया, रोतेला, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी में पाई जाती है। मडिया, आबू, जमाडिया, दंडामी, माडिया, मेटा, कोईतुर, ये जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना, छिदवाड़ा में पाई जाती है। शहरी आपकी गुना, शिवपुरी, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़ में। सऊर, ये छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, राजगढ़ में। अगरिया जनजाति मंडला, सीधी, शहडोल, पनिका, शहडोल सीधी में, पारती, भोपाल, सीहोर,
रायसेन में, खेरवार आपकी सीधी शहडोल, पन्ना छतरपुर में पाई जाती। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी नृत्य हैं। ठीक, नृत्य हो गए आपके नृत्य और क्षेत्रीय आदिवासी, बिलमा बेगा जनजाति, गेंडी गोंड, रीना गोंड, छेरता मुड़िया, करमा मंडला, चटकोरा कोरकू, मटकी मालवा, गोंचो गोंड, बिनाकी भोपाल किसकों द्वारा, टीना गोंड, रागनी ग्वालियर, दादर बुंदेलखंड, गरवा डंडिया, निवाड़ के बंजारे, सुगा मैकालचंडी। जनजाति हो गए युवाग्रह, जनजाति और युवाग्रह, मुड़िया गोंड में घोटुल, भुइया धांगर वांसा, भारिया रंगबंग, उराव धुमकोरिया, मुंडा गति ओरा। ठीक, गति ओरा। अब बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य की योजनाएं, राज्य सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उन्हें देख लेते हैं। अरुणिमा योजना, याद रखना अरुणिमा योजना, जनजातियों वर्ग के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर आपकी जवाली योजना, वैश्यावृत्ति में उलझी जनजातियों की समस्या से संबंधित, शासन द्वारा जवाली योजना, मुरैना गुना ग्वालियर शिवपुरी राजगढ़ रतलाम मंदसौर उज्जैन सागर जिलों में शुरू की गई। फिर राज्य अन्नपूर्णा योजना 1999 से 2000 में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमांत किसानों के लिए खरीफ मौसम में धान ज्वार बाजरा मक्का कोंदो कुटकी रागी और रबी मौसम की फसलों की बीजों की व्यवस्था करना। जीवन ज्योति योजना, इस योजना में जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शंखनाद योजना, आदिवासी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाना। आपकी कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की कन्याओं में साक्षरता बढ़ाना। फिर प्रतिष्ठा योजना, सिर पर मेला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम 1 नवंबर 1994 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 13 नवीन योजना इस कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की गई। कौन कौन सी हैं 13? पहली है नवजीवन योजना, ऐसे जनजातीय सदस्य जो रोजगार की खोज में शहर की ओर पलायन करते हैं लेकिन निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारण अपना जीवन फुटपाथों पर गुजारते हैं, ऐसे आवासहीन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत रियायती मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराया जाता है। दूसरी है वसुंधरा योजना, इस योजना के तहत आदिवासी भूमिहीन कृषकों को कृषि योग्य भूमि खरीदने हेतु 10 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दूसरा है जल जीवन योजना, इस योजना के तहत कृषि सहकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति जनजाति के छोटे किसानों को सिंचाई हेतु 75% अनुदान दिया जाता है। चौथी योजना है स्वावलंबन योजना, इस योजना के अंतर्गत आदिवासियों को व्यवसाय शुरू करने हेतु सरल किस्तों में ऋण प्रदान किया जाता है। फिर है मधुबन योजना, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आधुनिक डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म तथा अन्य पशुधन विकास कार्यों की स्थापना का प्रावधान है। फिर पवन पुत्र योजना, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बेरोजगारों को ऑटो रिक्शा मेटाडोर आदि खरीदने के लिए आसान किस्तों में ऋण प्रदान किया जाता है। फिर आपकी आगे निर्मित योजना, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सदस्यों को इंजीनियर्स आर्किटेक्चर्स तथा डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स द्वारा भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों के का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर आठवीं रफ्तार योजना, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति जाति के प्रशिक्षित चालक परिचालक तथा सहायक वर्ग को संगठित कर एक समिति का निर्माण किया जाता है। ऐसी समिति में को ट्रैक या बस क्रय करने के लिए शासन द्वारा ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। फिर आपका सहारा योजना, अनुसूचित जाति और जनजाति के निःशक्त एवं कमजोर लोगों के लिए
सामान्य रोजगार सृजित करना इस योजना का लक्ष्य है। फिर आपकी सहकार योजना, इस योजना के अंतर्गत स्थानीय खनिज तथा इस पर आधारित अन्य स्रोतों से अनुसूचित जाति और जनजाति के श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है। 11वीं है आपकी न्याय निकेतन योजना, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के वकीलों को प्रैक्टिस सुचारू रूप से चलाने तथा असुविधा से बचने के लिए न्यायालयों के निकट अभिभाषक कक्ष उपलब्ध कराया जाता है। फिर धनवंतरी योजना, इस योजना के अंतर्गत 12वीं है ये, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के एलोपैथिक अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को स्वयं के मूल स्थान पर अथवा जनपद मुख्यालय पर निजी प्रैक्टिस के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। फिर वनजा योजना, इस योजना के तहत लघु वनोपज पर आधारित लघु उद्योगों में अनुसूचित जाति जनजाति की सहकारी समितियां बनाकर उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिर अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों बस्ती वार्ड में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। फिर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रदेश के 18 जिलों झाबुआ धार बड़वानी रतलाम बैतूल सिवनी मंडला डिंडोरी अनूपपुर छिदवाड़ा सीधी उमरिया अलीराजपुर खंडवा शहडोल बालाघाट जबलपुर होशंगाबाद में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2006-5-6 में इन विद्यालयों में CBSE पाठ्यक्रम लागू किया गया है। वर्ष 2016-15-16 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मंडला चित्रकूट सतना खरगोन सिंगलोली में स्वीकृत किए गए, ठीक है। आप लोगों से एक सूचना देना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी आपके चैप्टर हुआ करें, जिससे किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हैं, उससे कई लोगों को बता दीजिए करिएगा, क्योंकि अगर मेरी वजह से या आपकी वजह से किसी एक ज़िंदगी की अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली आ रही है तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। याद रखिए, अगर मेरी वजह से या आपकी वजह से किसी एक इंसान की ज़िंदगी खुशहाल हो रही है तो इससे बड़ा कोई भी काम नहीं है, याद रखिए। अनुसूचित जनजाति बालिका हेतु साइकिल रखरखाव योजना, इस योजना अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वीं की जिन आदिवासी बालिकाओं को साइकिल प्रदान की गई है उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर साइकिल रखरखाव भत्ता ₹1,000 प्रति बालिका को दे होगा, ठीक है। फिर आपका शंकर साय पुरस्कार, मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रवेश में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आदिवासी छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है। कक्षा 10वीं में प्राप्त प्रवीणता को कक्षा 12वीं में निरंतर रखने वाले विद्यार्थी को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ₹11,000 दिया जाने का प्रावधान है। फिर आपकी रानी दुर्गावती पुरस्कार, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अपने संवर्ग में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभावान आदिवासी छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। कक्षा 10वीं में प्राप्त वरीयता को कक्षा 12वीं में नियंत्रण रखने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ₹11,000 के रूप में दी जाती है, ठीक है। फिर आपकी साक्षरता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार, प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की प्राथमिक शालाओं में प्रवेश योग्य बालक बालिकाओं को 100% प्रवेश करवाने तथा शाला त्याग की प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास करने वाली 89 आदिवासी विकास खंडों को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार ₹25,000 के मान से राशि प्रदान की जाती है।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। राज्य शासन ने संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाली अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया। सही योजना 2003-04 से स्वीकृत की गई। प्रयाश्रम विदेश के वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, आवासीय विद्यालय के रूप में आश्रमशाला की व्यवस्था अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए की जाती है। फिर आपकी राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की को भूख से मुक्ति दिलाने एवं भोजन की सम्मानजनक स्थायी व्यवस्था कराने की दृष्टि से राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन की स्थापना 20 अगस्त 1998 से की जा रही है। ठीक है, फिर आपकी कन्या विवाह सौभाग्यवती योजना। सौभाग्यवती योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, फिर आपका अगली है संत रविदास स्मृति पुरस्कार। विदेश में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विकास कल्याण तथा सामाजिक उद्यान के उद्देश्य कार्य करने वाली निजी व्यक्तियों या एवं सामाजिक संस्थाओं को व्यक्तिगत सेवा और योगदान को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से संत रविदास पुरस्कार की स्थापना 2005 में की गई। पुरस्कार स्वरूप 1,00,000 रुपये नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका दी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर मंगल भवनों की स्थापना। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन हेतु गैर अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक में से एक डॉक्टर अम्बेडकर मांगलिक भवन के निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें फिर है आपकी रानी दुर्गावती। क्या है रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना। यह योजना आपकी 2 अप्रैल 2003 से शुरू की गई। यह योजना अपनी तरह की देश की पहली योजना है जिसमें समाज के ऐसे कमजोर वर्ग के युवा हितग्राहियों को मदद दी जाएगी जो विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का सिर्फ इसलिए लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वे मार्जिन मनी जमा कर पाने में असमर्थ होते हैं। रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना के तहत अपने प्राथमिक लक्ष्य में 5,000 युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जनजातीय परिदृश्य वाला, ये था आपका मध्य प्रदेश से संबंधित पूरा जो भी तथ्य देख ली। आगे हम लोग बात करेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य।